तो देखिए कोनिक सेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, पैराबोला, पैराबोला। अब देखिए जब भी किसी चीज को हम लोग फेंकते हैं है ना, तो जब भी एयर में कोई चीज फेंकी जाती है किसी एंगल पे अपने से अवे है ना, तो जब अपने से किसी चीज को अवे फेंकते हैं किसी एंगल पे, तो उसका जो भी मोशन होता है अर्थ में, ठीक है, अर्थ सरफेस पे, वो हम लोग क्या कहेंगे, वो पैराबोलिक होता है। जिस भी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे फेंका, यहां से किसी ने एक बॉल या कोई कुछ भी फेंका यहां से, जब यहां से इस तरह से फेंकेगा अपने से अवे, तो क्या होगा, इसका इस तरह से ट्रेजेक्ट्री होगा, और ये ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है पैराबोलिक पाथ है। ये क्या है, पैराबोलिक पाथ है। ये बात समझ में आ गया। तो पैराबोला कोनिक सेक्शन में हम लोग कहते हैं कि, ठीक तो नहीं दिखेगा उसको, इधर आ जाओ तो फिर नहीं दिखेगा, उधर उधर बल्कि और हो जाओ, फिर नहीं दिखेगा तो बैठ जाओ तो खुद हो जाएगी। हाँ आगे टेबल तो खाली ही ना, ठीक है। तो देखिए कोई भी कॉनिक हो है ना, इस जो एक्स वाई प्लेन है उसमें एक हम लोग एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट, और हमारे पास एक फिक्स लाइन हो जाएगी, दिस लाइन इज अ फिक्स लाइन, तो दैट इज द फिक्स्ड लाइन। अब अगर हम लोग इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में बहुत सारे पॉइंट ले, से कोई पॉइंट पी लिया जिसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और लाइन से डिस्टेंस का मतलब लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दें, तो ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, सपोज ये बी है, तो पी बी क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ लाइन टू दैट पॉइंट, और P से लेके ये फोकस F नाम दे देते हैं, तो PF क्या होगा, इक्वल होगा, तो PF अपॉन PB है ना, ये कांस्टेंट होता है। अगर आपने ऐसे पॉइंट को सेलेक्ट किया है इस प्लेन में, ऐसे पॉइंट को आपने सेलेक्ट करना स्टार्ट किया कि इस कर्व का कोई भी पॉइंट ले हम लोग और यहां से परपेंडिकुलर डाल दें, और यहां से हम लोग इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देखें, और इस डिस्टेंस का रेशियो अगर कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं कि जो कर्व बनेगा उसे हम लोग कोनिक सेक्शन कहते हैं, और जो ये कांस्टेंट है पीएफ अपॉन पीबी, इस कांस्टेंट को कहा जाता है इसेंट्रिसिटी। हाँ नहीं, इसेंट्रिसिटी, ये बात समझ में आया ना, ये इसेंट्रिसिटी हो गया। अब अगर ये इसेंट्रिसिटी जीरो से बड़ी है और एक से छोटी है, तो ये हो जाएगा इलिप्स, क्या हो जाएगा, इलिप्स। और अगर ये इसेंट्रिसिटी जो कांस्टेंट है वन के इक्वल हो गया, तब ये हो जाएगा, कोनिक सेक्शन का नाम हो जाएगा पैराबोला। और अगर ये एक से बड़ा हो गया, तो ये हो जाएगा हाइपरबोला, हाइपरबोला। और अगर ये ई जीरो हो गया, तो हम कहते हैं वो सर्किल हो जाएगा। तो सारे कोनिक कवर हो गए, ठीक है, क्या क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट पीएफ अपॉन, मतलब किसी भी उन सारे कर्व के सारे जो पॉइंट्स हैं उनकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो, उन किससे, इस लाइन से जो डिस्टेंस है, अगर उसका रेशियो कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि उस कांस्टेंट को इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और अगर वो इसेंट्रिसिटी जो कांस्टेंट की वैल्यू है अगर एक से कम हो गई और जीरो से बड़ी है, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ का रेशियो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, तो हम कहेंगे कि जीरो से अगर बड़ी हो गई और वन से छोटी है, तो वो कर्व जो स्केच किया जाएगा दैट इज कॉल्ड द इलिप्स।
जो प्लेनेटरी मोशन होते हैं या प्लैनेट्स जिस पाथ पे ट्रेवल करते हैं, है ना, वो पाथ ट्रेस आउट होगा। इसके बाद अगर E इक्वल टू वन हो गया तो हमने कहा कि जो ये बॉल फेंकी जा रही है पैराबोलिक पाथ है ना, जो ट्रेजेक्टरी इस बॉल की होगी या जिस पाथ पे ये पार्टिकल चलेगा, ये बॉल चलेगी, वो पैराबोलिक पाथ होगा, तो वो E इक्वल टू वन हो गया। E ग्रेटर देन वन हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक मोशन होगा। जैसे कोई भी एस्ट्रॉइड जब अर्थ को अप्रोच करता है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाता है ऐसे, है ना, एक ट्रेजेक्ट्री पे निकलता है बिना टकराए हुए, जो टकराते हैं उनकी अलग बात है, बिना टकराए हुए निकलता है। और बहुत सारे तो अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं और वो एयर फ्रिक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाते हैं बिना टकराए, है ना, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, वो हाइपरबोलिक पाथ होता है उनका। E ग्रेटर देन क्या होता है, वन होता है। ठीक, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, है ना, जो फ्रिंज मिलती है उनका भी जो ट्रेसिंग करते हैं हाइपरबोलिक होती है। खैर, E इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, सर्कल हो गया। तो हम लोगों ने सर्किल देख लिया है, अब क्या चलेंगे हम लोग पैराबोला पे। तो पैराबोला के लिए हमेशा जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, वन होती है। तो ये याद रहना चाहिए, है ना, नोट करो। देखिए यहां पे जो ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है फोकस। तो फिक्स्ड पॉइंट इन प्लेन इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। एंड जो फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन is called directrix, directrix, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करें, जो ये आपके पास फोकस है यहां से directrix पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो that is called axis of conic। अब वो conic कोई भी हो, है ना, ये चारों में से कोई भी हो, सबकी axis बोली जाएगी। कैसे, हम लोग फोकस से इस फिक्स लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर। ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स, टू द डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस, एक्सिस ऑफ कोनिक। और उसी को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर कोनिक, फॉर कोनिक। तो ये सारे कोनिक के लिए ये डेफिनेशंस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि जो फिक्स पॉइंट हो गया, अब ये क्या कहा जाएगा, जितना भी आप पढ़ोगे, है ना, फ्यूचर में जब भी आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे आपके बोर्ड में तो सिर्फ क्या है, सिंपल पैराबोला है जिसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे रहेगा, शिफ्ट नहीं करना है सीबीएसई बोर्ड में। लेकिन जब हम करा लेंगे, आप लोग कर लोगे, हमें समझ में आया कि आप लोग आराम से कर ले रहे हो, तो हम शिफ्टेड वाला कुछ क्वेश्चंस दे देंगे ताकि उधर प्रॉब्लम ना हो। और पैराबोला रोटेट भी कर सकता है, लेकिन रोटेशन वाला केस आप में नहीं है, इवन आईटी वाले भी नहीं पूछेंगे, वो शिफ्टेड सिर्फ पूछेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शिफ्टेड सीबीएसई बोर्ड में, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन आईटी वाले में है, तो वो हम कुछ क्वेश्चंस करा देंगे ताकि आपकी आइडिया क्या हो, इवॉल्व हो जाए, बाद में अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। और बाकी तो ये सारी चीजें हम लोग सिंपल सिंपल केस डिस्कस कर लेंगे, हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, पैराबोला का सिंपलेस्ट केस लिया, जिसका जो फिक्स पॉइंट है वो हमने एक्स एक्सिस पे रखा, है ना। तो देयर आर फोर सिंपलेस्ट पैराबोला,
तो सबसे पहले हम लोग एक का डिराइव कर देते हैं और बाकी का आप लोग डिराइव करोगे। तो क्या किया गया, दीज आर द फोर केसेस। एक हो गया हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लिया, और इसमें हमने जो फिक्स पॉइंट था वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे रखा, फिक्स पॉइंट है ना। तो फिक्स पॉइंट मतलब फोकस था वो। तो फोकस अगर ए डिस्टेंस पे है, और हम लोग जानते हैं कि पैराबोला के लिए अगर कोई पॉइंट पी पैराबोला पे लिया जाता है, सपोज ये आपका क्या हो गया, एक पैराबोला का एक पार्ट हो गया, इस पे हमने कोई पी पॉइंट लिया है, तो हम कहेंगे कि अच्छा ये पैराबोला इसको कट भी करेगा, ठीक है, इसको कट भी करेगा। तो हम कहेंगे कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन भी पैराबोला का पार्ट हो गया, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी, हमने कहा था क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर दिए, पूरा ही ड्रॉ कर देते हैं, फिर बाद में इसके ज्योमेट्री की बात हम लोग कर लेंगे। तो ये हो गया आपका पैराबोला। अब देखिए इसका हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा, तो हम पहले इसकी बात करते हैं कि जो ओरिजिन है ये क्या हो रहा है, ये कर्व का पार्ट है, तो ये इस फिक्स पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स इससे ए डिस्टेंस अवे होगी, यहां पे होगी जो फिक्स लाइन होगी, और फिक्स लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गया, दैट इज द फिक्स्ड लाइन, एंड दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, जिसकी इक्वेशन, चूंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू क्या लिखी जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, माइनस ए है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ए, या फिर एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। तो ये फिक्स लाइन हो गई, जो फिक्स पॉइंट था वो सिंपलेस्ट केस हमने लिया, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो। तो हम लोगों ने सबसे सिंपलेस्ट केस एज्यूम कर रखा है, जिसमें जो फिक्स पॉइंट है वो ए कॉमा जीरो पे लिया है, और जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है उसे हमने एक्स एक्सिस रखा है, मतलब जैसा पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे होगा, इसे लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, है ना। तो ये एक्स एक्सिस है, इसका ये मतलब नहीं कि एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा, अगर पैराबोला ऐसे होता तो ये लाइन एक्सिस हो जाती, क्योंकि लाइन के ऊपर जैसा कर्व है वैसा लाइन के नीचे है, तो ये एक्सिस बोली जाती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, बट दैट इज नॉट एक्स एक्सिस, है ना, इस समय ये एक्स एक्सिस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, या फिर एक्सिस ऑफ क्या है, पैराबोला है ना। तो ये बात समझ में आना चाहिए। खैर अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। हमने कहा कि इस पे कोई पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, इसका मतलब, अच्छा पॉइंट थोड़ा इधर ले लेते हैं तो सही रहेगा, ये पी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, पी से लेके एफ, तो ये पी एफ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पी एफ हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस जीरो मतलब वाई स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम परपेंडिकुलर डाल दें इस फिक्स लाइन पे, तो ये जो डिस्टेंस पी बी हो जाएगा ये कैसे निकलेगा, तो देखिए यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, है ना, ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो आपको ये पता है कि यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस, ये तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब ये तो एक्स होगा, है ना, और ये वाला अगर डिस्टेंस हमें चाहिए तो ये वाई होता, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान रखा है, एक्स कॉमा वाई, मतलब ओरिजिन से आप चलोगे यहां तक एक्स और ऊपर चलोगे तो क्या हो जाएगा, वाई, हमें इससे मतलब है यहां से लेके यहां, और ये डिस्टेंस कितना है, ए है, तो बताइए ये जो डिस्टेंस हो गया पी बी हो गया वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा, तो हम कहेंगे पी बी जो हो जाएगा वो एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो पी एस मतलब पी एफ अपॉन पी बी दैट इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी, ई और ई को क्या कहेंगे हम लोग, वन होगा फॉर पैराबोला। अब इसका मतलब पी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के इक्वल हो जाएगा, रख दीजिए,
तो पीएफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा टू ए एक्स, एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, ये माइनस टू ए एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। तो दैट इज द सिंपलेस्ट पैराबोला, ठीक है, जिसका इसेंट्रिसिटी क्या है, वन है, फोकस ए कॉमा जीरो है, वर्टेक्स जीरो जीरो है और डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो है। ठीक, इतना नोट कर दो, बाकी और इसकी बातें करेंगे। तो देखिए, अब इस पैराबोला के बारे में हमें क्या 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 पता होना चाहिए डायरेक्ट आंसर करने के लिए कोई पूछता है तो। सबसे पहला कि इसकी ओपनिंग किधर दिख रही है, ओपनिंग राइट वर्ड है ना, राइट वर्ड है, ठीक। इक्वेशन क्या है इसका, जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने डिराइव किया वो क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स। इस इक्वेशन की थोड़ी सिनॉप्सिस कर लीजिए, है ना। तो देखिए, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, वाई चाहे आप निगेटिव डालिए तब भी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वाई अगर पॉजिटिव डालेंगे तो अच्छी बात है, स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा। इसका मतलब कि ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, वो राइट हैंड साइड वालों को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, हम निगेटिव रहेंगे तब भी स्क्वायर होके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, एक्स मस्ट बी पॉजिटिव का मतलब कि ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए बनेगा, निगेटिव एक्स के लिए नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये वाई स्क्वायर है, अगर वाई को आप माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो पूरे सिस्टम में कोई चेंज नहीं आने वाला है, अगर माइनस वाई रख दीजिए तो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा फोर ए एक्स, मतलब दैट बिकम सेम इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम चेंज नहीं हुआ, और अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम का ग्राफ होगा, वो कोई भी सिस्टम हो, जरूरी नहीं पैराबोला है, कुछ भी हो, जो भी अजीब सा सिस्टम या जो भी सिस्टम आपके पास है, वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। मतलब जैसा x एक्सिस से ग्राफ ऊपर होगा वैसा x एक्सिस से क्या होगा, नीचे होगा। यही वजह है कि ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव x के लिए है और जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो ग्राफ को हम रफली स्केच कर सकते हैं बस इतनी आइडिया से, इक्वेशन देख के। दो बातें हमने बताई, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव रहना है और वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव दिमाग में जाना चाहिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन जब हम सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं। अब हमने कहा कि ये पैराबोला हो गया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे पहला हो गया वर्टेक्स आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो वर्टेक्स कहां दिख रहा है इसका, वर्टेक्स है आपका ओरिजिन मतलब जीरो जीरो पे, ठीक है। फोकस, फोकस हो गया ए कॉमा जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स तो ये हो गया, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस ए, याद रखिए, है ना। और उसके बाद फिर बात आती है, अब कुछ चीजें और है ना, इसेंट्रिसिटी इसकी क्या हो गई, इसेंट्रिसिटी ये किसी भी पैराबोला की नहीं बदलने वाली है, अगर वो पैराबोला है तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी, वन होगी, इसेंट्रिसिटी ई मतलब, है ना, ई इक्वल्स टू। अब कुछ चीजें और, जैसे अगर हम लोग बात करें कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये कहा जाता है दैट इज कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, इस कर्व की कॉर्ड है। इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट के दोनों जो एंड पॉइंट हैं वो कर्व पे लाई करते हैं, या यूं कहें कि कर्व के किन्हीं दो पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया
वो लाइन सेगमेंट क्या कहा जाएगा, कॉर्ड ऑफ द कर्व। तो यहाँ पे कर्व कौन है, पैराबोला है, तो कॉर्ड ऑफ पैराबोला। लेकिन ये जो कॉर्ड है ये फोकस से नहीं जा रही है, लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसी ऐसा बनाए कि ये फोकस से जाए तो दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। ये क्या कहा जाएगा, अगर ए बी की बात करें तो ए बी हो गया फोकल कॉर्ड, ठीक है। और अगर कोई फोकल कॉर्ड है जो इस एक्सिस ऑफ पैराबोला पे क्या है, परपेंडिकुलर है, सपोज हमने ये ड्रॉ कर दिया, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर है, तो दैट इज कॉर्ड, दैट इज फोकल कॉर्ड एंड दैट इज परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये काफी ज्यादा स्पेशल हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं लेटस रेक्टम। एल एल डैश क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। तो एल एल डैश इज कॉल्ड, ये क्या क्या है, ये है फोकल कॉर्ड है, पहले कॉर्ड है ना, सब लिख देते हैं इसके बारे में, कॉर्ड है साथ में फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड और साथ में क्या कहेंगे इसे, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की दो चीजें पूछी जाती हैं, एक इसकी लेंथ पूछी जाती है कि लेंथ कितना होगा लेटस रेक्टम का। तो देखिए यहां से यहां तक का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ए है। हमने कहा कि इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही रहेगा ना, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट तक आने के लिए एक्स पे तो ए चलना पड़ेगा और इस पॉइंट पे आने के लिए भी एक्स पे कितना चलना पड़ेगा, ए चलना पड़ेगा। इसका मतलब कि ए कॉमा कुछ होगा ये, और ये भी ए कॉमा कुछ वाई होगा, है ना, और ये भी ए कॉमा कुछ वाई होगा, हमें नहीं पता है कितना होगा, है ना, लेकिन हमें वाई निकालना है। तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट कर्व का मेंबर है, अगर कर्व का मेंबर है तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की प्लेस पे क्या डाल दिया जाए, ए डाल दिया जाए, और वाई की प्लेस पे वाई डाल देते हैं, है ना। तो हम कहेंगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए, एक्स यहां पे ए डाल दिया, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर ए स्क्वायर। इसका मतलब वाई इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस 2a आ गया। अब हमने कहा कि y की तो दो वैल्यू हमारे पास आ रही है, आनी भी चाहिए थी, क्योंकि एक ऊपर वाला होगा ये 2a और दूसरा क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, ये भी 2a, माइनस का 2a दे रहा है, है ना। इसका मतलब कि जो ये कोऑर्डिनेट हो गया a कॉमा माइनस 2a नीचे वाला हो गया और a कॉमा 2a क्या हो गया, ऊपर हो गया। इसका मतलब एंड पॉइंट जो लेटेस्ट रेक्टम का हो जाएगा एंड पॉइंट ऑफ lr, लेटेस्ट रेक्टम को lr कहेंगे। तो एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर लेटस रेक्टम दैट इज ए कॉमा प्लस माइनस टू ए। तो दो पॉइंट्स हैं इसमें, है ना। अब दूसरी बात आती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर लेटस रेक्टम। तो देखिए लेंथ की बात करी जाए तो टू ए लेंथ ये वाली और टू ए नीचे वाली, क्योंकि साइन बता रहा है कि नीचे जाना है, वो लेंथ नहीं चेंज होगा, है ना, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है। तो 2a ये वाला लेंथ और 2a ये वाला लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक। तो क्या क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ओपनिंग हो गई, इक्वेशन हो गया, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गई, लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हो गया और लेटस रेक्टम की लेंथ हो गई, ठीक। एक और चीज बची, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। तो इसे लिखते हैं एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर and y equals to 280, where t is a parameter, where t belongs to real number is parameter, parameter, ठीक है। तो दोनों कोऑर्डिनेट को हम एक t वेरिएबल से हैंडल करेंगे, एक सिंगल पैरामीटर से हैंडल करेंगे, x y दो वेरिएबल नहीं होंगे। अब अगर इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए यहां से, है ना, क्या निकालने, y की वैल्यू, सॉरी t की वैल्यू, y अपॉन 2a। तो देखो क्या आएगा, अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग,
तो लिख देंगे यहां पे, हाँ तो x इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, और t की जगह पे क्या लिख दे, y अपॉन 2a का स्क्वायर, तो बताइए क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, एक a कट गया x, तो क्या आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वही आ गया है ना। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। अच्छा एक्सिस ऑफ पैराबोला इसमें बच गया, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या कहेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस, इक्वेशन के नाम पे एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी लिख लीजिए एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो दैट इज एक्स एक्सिस, और इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, सबसे पहला इंफॉर्मेशन दे रखा है कि पैराबोला आपका जो है उसका वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे है। अगर सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को हम इन्वेस्टिगेट करें तो हमारे दिमाग में चार ख्याल आएंगे, है ना, या आने चाहिए, ठीक, कि चार चीजें हो सकती हैं जिसके वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे, जो आपको स्टैंडर्ड पढ़ना है। एक ओपनिंग क्या हो गया, राइट वर्ड, ओपनिंग क्या हो गया, लेफ्ट वर्ड, ओपनिंग अपवर्ड हो गया, और ओपनिंग क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो दीज आर द फोर बेसिक जो पैरामीटर, जो पैराबोलाज है हमें पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन जो ही हम नेक्स्ट लाइन को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, वो क्या है, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री अगर एक्स एक्सिस है तो ये पैराबोला नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, वाई एक्सिस है, और ये भी पैराबोला नहीं हो सकता है। तो हमारा जो चार का फिगर था वो दो में आ गया, 50% उन्होंने सेग्रीगेट कर लिया, है ना। अब और इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो कह रहा है कि पैराबोला किसे पास कर रहा है, 1.2 से। अब 1.2 का मतलब पॉइंट कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये तो कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करने वाला नहीं है, ये या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या इसका एक ब्रांच कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब अपने पास पहले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद चार ऑप्शन थे, सेकेंड स्टेटमेंट लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ने के बाद दो घट गए, दो ऑप्शन थे, और तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद पिक्चर क्लियर हो गई कि कौन सा पैराबोला है, कौन सा है, ये वाला है। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट या कहीं 1.2 से पास करा ऐसा कहा है सर, तो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब बताइए, तो इस पे तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स लाइज ऑन दिस पैराबोला, लेकिन एक मेंबर के बारे में हमें पता है, और हमारे पास एक ही अननोन तो है, a पता चल जाए काम चल जाएगा, तो हम इस पॉइंट से इसको पास करा दें, मतलब x की वैल्यू क्या प्लेस कर दें, a, और y की वैल्यू क्या प्लेस कर दें, 2, तो y की वैल्यू 2 प्लेस कर दिया और x की वैल्यू हमने प्लेस कर दिया 1, तो यहां से a कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए आपके पास ये चार सिंपल केस पढ़ने हैं, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने किया है, अभी डिराइव किया है इसका, ये पैराबोला था, ठीक है, जिसका ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और इसका फोकस क्या था, ए लेंथ अवे था ओरिजिन से, तो ए कॉमा जीरो था, तो इसके इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अब इसके लिए जो वर्टेक्स आया था वो जीरो जीरो है, हालांकि वर्टेक्स सबका ही जीरो जीरो होगा, अगर इसकी बात करें हम लोग तो वर्टेक्स क्या आएगा, जीरो जीरो, और इसकी बात करें तब भी वर्टेक्स क्या आएगा, जीरो जीरो, और ये आखिरी वाले की बात करें इसका भी वर्टेक्स क्या है,
जीरो जीरो। तो इस इंफॉर्मेशन में कोई खास तब्दीली नहीं है, इक्वेशन जो भी रहे। हाँ, लेकिन जब शिफ्ट करेंगे इस पैराबोला को तो अब प्रॉब्लम होगी, तब हमें समझना पड़ेगा कि वर्टेक्स कहाँ चला गया। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन, ठीक है, ये लेफ्ट वर्ड है, तो अब यहां पे कहेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स। देखिए माइनस क्यों, अगर फोर ए एक्स लिख दे अगर हम लोग, तो देखिए एक्स हमेशा क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब कि ए तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक्स ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड ऑलवेज निगेटिव हो गई, जबकि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मिसमैच कर जाएंगे। तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, है ना, तो माइनस कर दिया। तो हमने कहा कि अब ये पूरा निगेटिव हमेशा रहेगा और ये निगेटिव लेके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो लेफ्ट और राइट का साइन मैच कर गया है, तो हम कहेंगे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो गया। इसी तरह से जो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब कि यहां पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, y एक्सिस है। इसका मतलब कि x को माइनस x से जब रिप्लेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, x में क्वाड्रेटिक होगी, ये बता रहा है वो, ना x में क्वाड्रेटिक होगी। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब देखिए क्या हम यहां माइनस साइन लगाएं कि ना लगाएं, तो अब देखिए y ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, और इधर पॉजिटिव तो रहना ही है किसी भी x के लिए, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। निगेटिव रहेगा x तो स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव रहेगा तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा ही होगा। तो ये साइड ऑलवेज पॉजिटिव रहनी है, और ये साइड भी पॉजिटिव है क्योंकि y ऑलवेज पॉजिटिव है, ऊपर है, तो ये इक्वेशन सही है। इसी तरह से यहां y निगेटिव हो गया तो हम क्या लगा देंगे, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay हो गया। अब चलिए फोकस की बात करते हैं, तो इसका जो फोकस है वो ए कॉमा जीरो पे था, एक्स एक्सिस पे था, y कोऑर्डिनेट जीरो होगा इसका, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, माइनस ए जीरो, तो इसका फोकस हो गया माइनस ए कॉमा जीरो। आपको फिगर से ही सारी इंफॉर्मेशन याद रहेंगे, फिगर नहीं याद है इंफॉर्मेशन भूल जाएंगे, है ना, तो फिगर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सारा याद रहना चाहिए, और यही एक तरीका है, है ना। यहाँ पे देखिए अब ये ए डिस्टेंस ऊपर हो गया है ना, जीरो कॉमा ए हो गया, प्लस का ए, तो जीरो कॉमा प्लस का ए हो गया। यहां नीचे आ गया फोकस, तो क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा माइनस ए, तो ये सबके क्या हो गए, रिस्पेक्टिव फोकस हो गए। एंड पॉइंट ऑफ एल आर, तो एल आर के लिए देखिए अगर लेटेस्ट रेक्टम यहाँ फोकल कॉर्ड हो जाएगी परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस, ये एल आर हो गई, एल एल डैश हम लोग कह सकते हैं, एल डैश और एल हो गया। तो देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए रहना है, एक्स कोऑर्डिनेट ए रहना है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या, एक जगह टू ए होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या रहेगा, माइनस टू ए, तो ए कॉमा माइनस टू ए, या एक ही साथ लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस टू ए लिख सकते हैं ना। यहां पे देखिए यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट बस चेंज हो गया, माइनस ए हो गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा, तो माइनस ए और प्लस माइनस हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं, टू ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अब यहां पे प्रॉब्लम है, देखिए यहां पे जो ये फोकस था ये जीरो कॉमा ए था, मतलब वाई कोऑर्डिनेट इसका फिक्स हुआ है ए, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा ए, तो ये जो प्लस माइनस टू है इस साइड में आ जाएगा। कितना रखना है, आसान है ना याद रखना, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका भी देखिए ये जो लेंथ है ना, वो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस टू ए ही रहना है, ठीक है, तो ये याद रखना बहुत आसान है। अब देखिए लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ पैराबोला को हम कैसे भी घुमा दें, है ना, किसी भी स्टिक को चाहे सीधा देखिए, वर्टिकल देखिए, हॉरिजॉन्टल देखिए, किसी एंगल पे देखिए, उसकी लेंथ नहीं बदलने वाली है। तो पैराबोला को चाहे हम रोटेट कर दें, स्वेप कर दें, कुछ भी कर दें, लेंथ नहीं बदलने वाली है। तो लेंथ ऑफ एल आर हमेशा क्या रहेगी, 4a, 4a, 4a और 4a रहेगी, जो क्या है, यहाँ पे x का कोफिशियंट है, जो लीनियर टर्म है, 1 डिग्री टर्म है, उसका कोफिशियंट है, यहाँ भी 1 डिग्री x में उसका कोफिशियंट हो गया ना, ठीक है, और यहाँ भी y का कोफिशियंट इसी तरह। अब यहाँ क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए पैराबोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इक्वेशन लिखना है, तो y इक्वल्स टू जीरो, नीचे वाले का भी y इक्वल्स टू जीरो, तो दो पैराबोला है जिनका लाइन ऑफ सिमेट्री x एक्सिस है, और दो पैराबोला है जिनका लाइन ऑफ सिमेट्री y एक्सिस है। y एक्सिस का मतलब इक्वेशन x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू जीरो। अब डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स देखिए ये यहां से माइनस ए डिस्टेंस पे है, तो x इक्वल टू माइनस ए कहेंगे,
तो इसका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए। इस वाले पैराबोला का प्लस ए आ गया, इधर डायरेक्ट आ जाएगी वर्टेक्स से उतनी दूरी पे, तो x इक्वल टू क्या लिख लेंगे प्लस ए। और इसका देखिए नीचे आ गया तो ये y इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ए, नीचे वाला y इक्वल टू प्लस ए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई जो आपको कुछ भी पूछा सकता है इसमें से आप कर लेंगे ठीक नोट के।